क्या कहना चाहेंगे, एहसान रिहान जी का बर्थडे है, कब से जानती हैं इन्हें और कैसे इंसान और एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उन्हें बर्थडे के विशेस देना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि उनको ये जो बर्थडे है बहुत सारी सक्सेस लेकर आए और वो जो एक अवार्ड फंक्शन करते हैं वो कई सारे कर सकें। और उन्हें मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ एंड उन्होंने बहुत सारे लोगों को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया है। जब आप किसी को एक अवार्ड देते हैं तो आप उसे कहीं ना कहीं से एक आइडेंटिटी देते हैं। जब आपके घर में एक ट्रॉफी, एक अवार्ड रखा होता है, कोई एक काफ़ी सी अच्छी सी स्टैचू रखी होती है, तो आपको लगता है यार आपने यहाँ से अचीव की उस चीज़ को। तो ये बहुत लोगों को सपोर्ट करते हैं, बहुत लोगों को प्रमोट करते हैं। सो मैं इन्हें दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कहना जी ये भी करना चाहूँगी कि हाल फिलहाल में पूनम जी, पूनम पांडे को PRS बेल मिला है, तो ये कितना अच्छी बात है कि जो लोग शायद उसमें इन्वॉल्व नहीं थे उस ब्रैकेट में जिसमें आप भी सफ़र किए हैं, तो क्या कानून पे कितना विश्वास हुआ है आपको? देखो अगर मैं पूनम की बात करूँ तो वो इंडिविजुअली कंटेंट बना रही थी, वो किसी को ड्रैग नहीं कर रही थी। वो जो भी कर रही थी वो उसका इंडिविजुअल चॉइस थी। वो खुद शूट करे, वो बिना कपड़ों के शूट करे या कपड़े पहन कर करे, इट्स हर इंडिविजुअल चॉइस। सेकंड चीज़ वो अबव 18 है और चूँकि हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, हम लोकतंत्र में रहते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र चलता है, तो ये संविधान हमें कहता है कि हमें अपनी इच्छा अनुसार अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। उसने वही किया और सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा उच्चतम न्यायालय है, उन्हें बहुत अच्छे से समझ है कि कौन गलत है कौन सही है। सो मैं इसके लिए पूनम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी स्पेशली फॉर दिस, कि अच्छा हुआ फाइनली उसे बेल मिल गई एंटिसिपेटरी और बहुत अच्छी बात है। लास्टली ये कहना कि हाल फिलहाल में एक बहुत बड़े स्टार धनुष का जो हुआ डिवोर्स हुआ 18 साल के बाद, और रामो यानी रामगोपाल वर्मा ने बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल कमेंट उसमें किया है कि मैरिज जो होता है वो फूल करते हैं और प्यार जो होता है समझदार करते हैं, आप कितना मानते हैं इस चीज़ को? अगर RGV को इतनी समझ थी तो उन्होंने क्यों शादी की? या वो वेट कर रहे होते हैं कि किसी का डाइवोर्स हो और वह स्टेटमेंट पास कर सके? हालांकि ये बहुत गलत है क्योंकि 18 साल स्पेंड कर देना, देन उसके पहले सामंथा और नागा चैतन्या की शादी हुई थी, 4 साल में डाइवोर्स हो गया। सो फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग बहुत कॉमन देख रहे हैं लोगों के बीच में डाइवोर्स होते जा रहा है। मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करती हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। या तो आप शादी मत करो, आप टाइम स्पेंड करो, जितना टाइम स्पेंड कर सकते हो, जितना एक दूसरे को जान सकते हो, जितने अच्छे से अपने रिलेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो तब डिसीजन लो, अगर आपको लगता है कि नहीं यार दिस इज़ द राइट टाइम। लेकिन धनुष और ऐश्वर्या के मैटर में 18 साल हो गए, 2004 में इन दोनों की शादी हुई थी, लव मैरिज थी, ऐश्वर्या ने कई सारी फिल्में प्रोड्यूस की डायरेक्ट की, जिसमें से जो 3 फिल्म थे जिसमें श्रुति हसन भी थी धनुष के ऑपोजिट। सुनने में आया था कि धनुष और श्रुति का उन दिनों अफेयर चलने लगा था, सो काफ़ी टाइम से क्लैशेस थे। बट इन लोगों ने जब इतने अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया था तो थोड़ा सा और मैनेज कर सकते थे। बट कहते हैं ना, अगर रिश्तों में खुशी ही नहीं रह गई हो तो रिश्तों को कैसे निभाओगे? तो मे बी धनुष और ऐश्वर्या को यही लगा हो, इससे नाउ दे आर सेपरेटेड। मैं एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ एंड आपको 26 फरवरी को मैं अनाउंस करूँगी। 26 फरवरी को मैं प्रॉपर चैनल, प्रॉपर मीडिया के सामने बाकायदा अच्छे तरीके से लॉन्च करूँगी और आई एम श्योर कि आप लोग को मुझे देख के बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको उसमें रियल वाली गहना दिखूँगी, मैं फेक पॉलिश्ड या प्लास्टिक तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, और आपको उसमें और भी नहीं लगूँगी और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इट्स अ बिग शो। थैंक यू।